कैसा लग रहा अंकल? बेटा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जरा दो मिनट मिल जाएंगे मुझे अगर तुम लोग माइंड ना करो। जी थैंक यू। आज कहाँ जनाब? अपने रूम में जा रही हूँ। अब तुम रुखसती के बाद ही जाओगी उधर। आज तुम मेरे और बाली पुप्पू के साथ रहोगी। चलो। मेरा सारा लगेज अंदर पड़ा हुआ है। हाँ तो मैं ले आती हूँ। बल्कि लाने की भी क्या जरूरत है? कल तो तुम वैसे भी उस रूम की ऑफिशियल मालिक होने वाली हो। अच्छा चलें। दादा जान देख लेंगे तो बहुत नाराज होंगे। पर अभी तो मोहल्ले के लड़के कमरा भी सजा रहे। मुझे फोन तो लेने दो अपना। अरे कहाँ ना, मोहल्ले के लड़के अंदर कमरा सजा रहे हैं। अभी चलो। ये रूम डेकोर करवाने की क्या जरूरत थी? It's just a waste of money. जिस चीज से दिल खुश होता है ना, उस पे खर्चा करके पैसे जाया नहीं होते। डेविड तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। हाँ मुझे लगता है कि मैंने स्टूपिड डिसीजन लिया है। मैं सोच रही हूँ कि डैड को मना कर दूँ। नहीं 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 नहीं, अब तुम ये नहीं कर सकती। पूरा खानदान हंसेगा हम पर। दाऊद भाई तो खुश है, वैसे भी तुम्हारा अपना ही फैसला था। देखो अब तुम नहीं मना कर सकती, मेरी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कपड़े जूते जेवर सब कुछ आ गया है मेरा। तो तुम्हें अपनी तैयारी की फिक्र है। चलो मुझे कॉलेज में मिलकर डेविड से शादी करने का। मैं नहीं चाहती मेरी प्यारी सुरैया की तैयारी रह जाए। चलो कर लेते हैं तुम्हारे टेररिस्ट भाई से शादी। क्या याद करोगे ये ना बात। चल ये बहुत मुश्किल है। तुम भाई गरारा पहनकर ऊपर आ जाओ। राम सिक्स। ओह माय गॉड। प्लीज चिल। बात Thank you.